Please subscribe to this YouTube channel Mentor Talk Can Do, press bell button for notifications. आज 6वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होने के कारण मेरे प्रोड्यूसर यानी मेरे निर्माता ने मुझसे उसी पर एक छोटी वीडियो वार्ता करने का अनुरोध किया। और मुझे भी लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी को इस बारे में जानना जरूरी है, योग के बारे में, योग दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, यानी आज 21 जून है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है, यानी लंबा जीवन प्रदान करता है, यह माना जाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। और क्या आप जानते हैं कि इसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। जी हां, यह उनकी प्रपोजल थी कि 21 जून को इंटरनेशनल योग डे बनाया जाए, योगा डे बनाया जाए। उन्होंने कहा, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में ही नहीं है सिर्फ, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। जी हां, हमारी बदलती जीवन व्यवस्था शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो ये सब श्री नरेंद्र मोदी ने बोला संयुक्त राष्ट्र महासभा में। और उन्होंने कहा कि आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में हम सब काम करते हैं। ये उन्होंने एक प्रस्ताव रखा अपने स्पीच में, अपने भाषण में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में। जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, उन्होंने मंजूरी प्रदान करी। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय था। सबसे कम समय में ये प्रस्ताव पूर्ण किया गया या पारित किया गया। क्या है योग? योग क्या है? योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। यह शब्द, प्रक्रिया और धारण हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। योग शब्द भारत से बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में भी फैला, और उसके बाद अब तो ग्लोबली पूरी दुनिया में प्रचलित है ये। और इस समय सारे सभ्य जगत में लोग इससे परिचित हैं। मुझे आशा है कि आपने इस विषय में कुछ बुनियादी जानकारी प्राप्त की होगी मेरे इस छोटी सी वार्ता से। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ कल या परसों। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी योगा डे। Please subscribe to this YouTube channel Mentor Talk and do press bell button for notifications.